चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर वैशाली जिले में हमले के बाद एक भोजपुरी कलाकार उनके सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर हमले के बाद खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर इसकी जानकारी दिया और इसका वीडियो भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के कई बड़े लोगों ने भी खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में अपना अपना पक्ष सोशल मीडिया पर रखा है। इस पर भोजपुरी की यूट्यूब किंग आम्रपाली दुबे ने भी अपना पक्ष यूट्यूब पर जाहिर किया है। जी हां, सोशल मीडिया पर आम्रपाली दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया कड़ी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि खेसारी लाल यादव पर हमला करने वाला बहुत ही बुजदिल इंसान है जो धोखे से खेसारी लाल यादव पर हमला किया है और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बिहार सरकार को इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और जिन लोगों ने भी खेसारी लाल यादव और उनके टीम पर पथराव किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे ही गर्म लहजे में आम्रपाली दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिक्रिया जाहिर किया और इसके बाद खेसारी लाल यादव के फैंस इसे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के पक्ष में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया लाइव आकर दिया है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव पर हमले के बाद भोजपुरी फिल्म जगत में हलचल सी मच गई है और सभी लोग खेसारी लाल यादव के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव के पक्ष ने यहां तक कदम उठा लिया है कि उन्होंने 31 अक्टूबर को बिहार बंद करने का कुछ बैनर सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में शेयर कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर को बिहार बंद रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन खेसारी लाल यादव के फैंस भारी मात्रा में खेसारी लाल यादव के पक्ष लेते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं।